प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। रीजनेबली सक्सेसफुल, रीजनेबली सक्सेसफुल होने का मतलब क्या कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, शादी हो गई है बच्चे हैं तो एक अलग मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, कि आपको उनकी फीस की टेंशन नहीं है, उनके कपड़ों की टेंशन नहीं है, अपने बेसिक कन्वेंस की टेंशन नहीं है, इस तरह की कुछ टेंशन आपके ऊपर नहीं है। ये कहो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे यहां से निकाल दिया तो क्या होगा, अगर आप इस टेंशन में जी रहे हो तो आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो, चाहे आपकी सैलरी 5 लाख है। ये डर किसके अंदर होगा? जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, जो अंदर से पक्का नहीं हो। दूसरी तरफ से आपकी सैलरी अगर 50,000 भी है और आपके अंदर ये डर नहीं है कि मुझे निकाल भी दिया तो क्या होगा, तब आप सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसको पता है कि अगर मैं ये बेच सकता हूं तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, प्रोडक्ट्स बेचता हूं उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है, कोई चैरिटी नहीं दे रहा है मुझे, क्लियर है ना। 5 लाख की सेल निकालता हूं इस कंपनी के लिए, तब जाकर के कंपनी मुझे 50,000 रुपए देती है। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल निकाल सकता हूं तो किसी दूसरी कंपनी के लिए 10 लाख की भी निकाल सकता हूं, वहां से मुझे 1 लाख भी मिल सकता है, तो मुझे क्या डर है। ये बंदा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इसको कोई डर नहीं है। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बाईपास नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल झटका लगेगा। यू हैव टू बी फिट, एज फिट एज पॉसिबल, नॉट फिटेस्ट इन कंपैरिजन टू समबडी। वहां पे एक ट्रैप है, क्योंकि आप कितना भी फिट हो जाओ कोई ना कोई और आपको मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा फिट होगा, तो आप इसी रेस में भागते रहोगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे या तो आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो रेस में नहीं भागना है गधों की तरह। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड। बड़ा ही सिंपल है ये, अगर कोई करना चाहे तो, ना करना चाहे तो उलझे रहो। क्या करना है? पहले अपने आप को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। उससे क्या होगा, उसके बिना कैसे होगा? आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, आपकी डोर किसी और के हाथ में है। ये काम मेरे लिए करना जरूरी है, मैं तो करूंगा, आई डू इट। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आपके साथ में जो लोग होंगे उनको भी ऊपर उठने का मौका दो। दिस शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे अंदर एनर्जी ना सस्टेन नहीं कर पाती है, हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाते हैं, एनर्जी बनी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। मेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। निचोड़ यह है कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी फिटेस्ट, बट डू नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स बाय बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो, अपनी पावर को लोगों के साथ में शेयर करो, और फिर अपनी उस पूरी पावर को, ये जो आप पावरफुल हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, काबिल बने, कुछ भी बने लाइफ में, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिला, और फिर उस पीस ऑफ माइंड को और पावर को, दोनों चीजों को, एनर्जी को और पीस ऑफ माइंड को, माइंड बिल्कुल पीसफुल, एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अंदर से खुद को जानने का, आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।